हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि जो ऊ जेनेसिस है इसमें प्राइमरी ऊ साइट बनती है और इस प्राइमरी ऊ साइट में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इससे बनती है सेकेंडरी ऊ साइट और एक पोलर बॉडी बनती है, और सेकेंडरी ऊ साइट में जब आगे नेक्स्ट डिवीजन होता है तो फिर एक और पोलर बॉडी बनती है और ओवन का निर्माण होता है। पर ये जो डिवीजन है मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड, इनमें से स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे तो जो मियोसिस सेकेंड है ये मेटाफेज अरे सेल होती है और जब स्पर्म की एंट्री होती है तो ये डिवीजन कंप्लीट होता है और ओवम और एक पोलर बॉडी बनती है। डिफरेंट फाइला में और डिफरेंट एनिमल्स में जो ऊ साइट है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होती है जब उसकी स्पर्म के साथ मैटिंग होती है। जैसे अगर बात करें हम डॉग की, फॉक्सेस की, स्पेशली एस्केरिस की, इनके अंदर जब स्पर्म की एंट्री होती है उस समय जो ऊ साइट है वो प्राइमरी ऊ साइट की फॉर्म में रहती है, प्राइमरी ऊ साइट की फॉर्म में, और यहां पर जब स्पर्म इसे स्टिमुलेट करता है तो इसके अंदर डिवीजन होते हैं और पोलर बॉडीज बनती है और साथ में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो डॉग और फॉक्सेज एंड एस्केरिस, इनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन की घटना होती है तो उस समय जो ऊ साइट है वो प्राइमरी ऊ साइट की फॉर्म में रहती है। यदि बात करें स्टारफिश की, स्टारफिश कुछ इंसेक्ट्स में और मोलस्का में, स्पेशली मोलस्का के डेंटिलियम में, तो यहां पर जब स्पर्म की एंट्री होती है उस समय जो ऊ साइट है वो मेटाफेज फर्स्ट अरेस्ट होती है और स्पर्म की एंट्री के साथ ही इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। अगर बात करें फिशेज की या फिर मैमल्स की और एम्फीबिया की, और ब्रिंकियोस्टोमा की, तो इनके अंदर मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट ऊ साइट होती है, यानी कि जो सेकेंड ऊ साइट है मेटाफेज सेकेंड में स्टेज में अरेस्ट होती है और इस समय जब यहां पर स्पर्म की एंट्री होती है तो ये डिवीजन कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। और बात करें अगर सी अर्चिन की, सी अर्चिन और निडेरियंस में स्पेशली एनिमोन्स की, तो इनके अंदर कंप्लीट मियोसिस हो चुका होता है, थ्री पोलर बॉडीज बन चुकी होती है और एक ओवम बनता है जिसको कि स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है। तो सिर्फ सी अर्चिन और निडेरियन के केस के अंदर कंप्लीट मियोसिस होने के बाद स्पर्म की एंट्री होती है, जबकि अदर एनिमल्स जैसे कि एम्फीबिया, फिश और मैमल्स के अंदर बात करेंगे तो मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट होती है ऊसाइट। यदि बात करें हम मोलस्का की और इंसेक्ट और स्टारफिशेज की तो इनके अंदर जो है ये मेटाफेज फर्स्ट अरेस्ट होती है, और डॉग, फॉक्सेज और एस्केरिस के केस के अंदर ये प्राइमरी ऊसाइट की फॉर्म में होती है जब स्पर्म इसको इंड्यूस करता है और उसकी वजह से मियोसिस कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट प्रकार से फर्टिलाइजेशन